बैतूल जिले में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि बीते रविवार को एक कार्यक्रम में भोजन करने के बाद एक ही परिवार के 13 लोग बीमार पड़ गए। वहीं एक 6 साल के मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिवार के सभी सदस्यों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल बैतूल बाजार कस्बे में रमेश गोलहर के परिवार में हुई बेटे की मौत के बाद कई रिश्तेदार उनके घर पहुंचे थे, जहां पिछले रविवार शाम सभी मेहमानों ने घर में रोटी दाल चावल का सेवन किया था। इसके बाद से ही एक एक करके सभी मेहमानों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते उन सभी मेहमानों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले की जानकारी लगने पर बैतूल एसपी जिला अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस फूड पॉइजनिंग में अमरावती निवासी महिला रेणुका सतपुते के 6 वर्षीय बेटे वेदांत की जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मृतक बालक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। अब खाना खाने बैठे, खाना खाते अपने घर का, सब गुस्से का सुबह देखा तो सब तबीयत खराब, अपना दुख रहा है, ये दुख रहा है, ऐसा काम चल रहा है। वो 6-7-8 बजे बच्चे भी 2-3 हैं, 2-3 बच्चे। आप लोगों की तबीयत परसों के दिन खराब हुई, अपन आज क्यों आए, इतना लेट क्यों आए, क्या हुआ? अरे कल ने डॉक्टर को दिखाया, मुझ तक महसूस हो नहीं रहा है कि तब ये अपने को लग रहा है, कि रात सुबह ज़्यादा ही लगने लगा, उसके बाद तो उसमें इधर आया। अभी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि 13 लोग फूड पॉइजनिंग के कारण जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं और जिसमें एक बच्चे की मृत्यु भी हुई है और पुलिस के द्वारा इसको लगातार जो है अत्यंत संवेदनशीलता से देखा जा रहा है और यहाँ पर आकर चिकित्सकों से बात भी की गई। अभी बाकी मरीजों की स्थिति स्टेबल है और घटना के कारण क्यों ये घटना हुई, क्या हुई, इसके कारणों की जो है जांच चल रही है और अतिशीघ्र जो भी जांच के बाद निष्कर्ष आएगा उसे आप लोगों को सूचित किया जाएगा। फूड पॉइजनिंग सस्पेक्ट कर रहे हैं हम उन बच्चों का, क्योंकि एपिडेमिक जैसा ही हुआ है वो, क्योंकि एक साथ आसपास के एक ही मोहल्ले में रहने वाले कुछ 12-13 लोगों को एक साथ इन्फेक्शन हुआ है, जिनकी सेम कंप्लेन है कि उनको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, कुछ लोग 2 दिन से वोमिटिंग फीवर में पड़े हुए हैं। तो उसमें कुछ बच्चे भी थे जो काफ़ी गंभीर थे और बड़े लोग तो थोड़े स्टेबल हैं, पर एक बच्चा है जो काफ़ी सीरियस था, जो एडमिशन के दौरान ही उसकी डीसी हो गई, बाकी तो अभी स्टेबल हैं। पर ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, हमको अपना वाटर सोर्स देखना चाहिए, हमको अपना फूड देखना चाहिए, ताकि ये एपिडेमिक कंडीशंस बार बार लैंड अप ना करें हमारी सोसाइटी में।